हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने कुछ महिलाओं से बात की है, आपको सुनवाते हैं। दरअसल ये उसी इंसाफ को सेलिब्रेट करने, उसी जीत को सेलिब्रेट यहाँ करने आई हैं, जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से, इस पूरे केस से जुड़ी रही हैं और आज सुबह सुबह उठकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग आज सोई नहीं, नींद नहीं आई? बिल्कुल सोए नहीं है हम लोग। आप उठने की बात करिए, हम सोए ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी दलीलें दे रहा था, जितनी एपी सिंह बोल रहा था, एक एक ग्रुप में चैट, पर्सनल चैट कि कब आंटी आएंगी, कब हम मिलेंगे, कब इंसाफ होगा। तो कहां से आए हैं आप लोग? यहीं पे, इसी सोसाइटी से ही हैं हम। आज रात भर आप लोग मतलब इंतजार करते रहे कि कब 5:30 बजेंगे और कब इंसाफ होगा? हाँ बिल्कुल, इंसाफ के सूरज की पहली किरण का हमें इंतजार था कि आज जो एक जो किरण फूटी है और ये ऐतिहासिक रहेगी और हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। जी बच्चियां भी हमारे साथ हैं, आप क्या लगता है आज एक नई सुबह है लड़कियों के लिए, एक नया पैगाम लेकर आई है ये? मैम हम कई दिन से आ रहे हैं लेकिन आज हम पूरे रात जगे हुए थे, हम वेट कर रहे थे कि कब वो, हम भी बहुत दिनों से वेट करते कब वो मरे और हमें न्याय मिले, और हम पूरी रात जग के ये वेट कर रहे थे कि कब आंटी से मिले, लेकिन हम तब से यहीं पर हैं। ये चेहरों पर खुशी है, गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। इतना लंबा जो संघर्ष रहा है परिवार का, साथ ही साथ आप लोगों ने भी, हम सब ने कहीं ना कहीं इस केस से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया। जी बिल्कुल, सभी जुड़े हुए थे और हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली पुलिस साथ में जुड़ी हुई थी, हमारी सोसाइटी की सब महिलाएं, मेरे ख्याल से पूरा देश ही चाहता था कि उनको फांसी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में अपनी बेटियों को लेके एक डर था इस केस के साथ, जैसी दरिंदगी की गई थी निर्भया के साथ, क्योंकि सबकी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, देर सवेर आती हैं, ट्यूशंस होती हैं, तो सबको था कि इंसाफ मिले ताकि हमारी लड़कियां को ये शब्द मिले कि वो निर्भय होके किसी भी टाइम अपने घर से निकल सकती हैं, वो ये ना देखें कि सुबह हो रही है या रात हो रही है, अगर काम है, जैसे लड़के निकलते हैं लड़कियाँ भी निकलेंगी। आज आंखें नम ज्यादा हैं या चेहरे पर खुशी ज्यादा है? ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, ये एक महिला की नहीं, आज सब महिलाओं की जीत हुई है। आज सत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। आज का सूरज एक नया सूरज दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे पीछे तो सूरज की किरणें मुझे दिख रही हैं, और ये जो किरणें हैं ये हमारे सबके जीवन में आए। आप भी एक महिला हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, टीवी भी हैं, हम जो महिलाओं ने एक मुहिम स्टार्ट किया है, मैं गोमती अपनी जनरल सेक्रेटरी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसको बढ़ावा किया, और जब एकजुट होकर के हम एक रोजाना एक भजन गाते थे, हम होंगे कामयाब, हम हो चुके कामयाब, यही कहूंगी मैं। ये भजन आप लोग, ये जो सबको जोड़ के रखने वाला गीत है, ये आप लोग जरा सा सुनाएंगे? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, आज के दिन ओ हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो चुके हैं, हो चुके कामयाब, आज हो चुके कामयाब, होते रहेंगे कामयाब, होते रहेंगे कामयाब, सब दिन, हर दिन हमारा है, 24 घंटे 7 दिन हमारे हैं। सुबह एक नया पैगाम लेकर आई है ये गाना, जो हम होंगे कामयाब, आज हम हो चुके हैं कामयाब में बदल गया है। ये वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने इस संघर्ष को देखा है, इस संघर्ष की भागीदार रही हैं, और यही वजह है कि आज पूरी रात निर्भया का परिवार तो जागा ही है, ये लोग भी जागे हैं, और अब कहीं ना कहीं चेहरों पर जो खुशी दिखाई दे रही है वो इस संतोष की है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।